क्वेश्चन 7 इफ x1 = 2 x2 = 3 x3 = 1 बी ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया है तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 करो, बिकॉज क्वेश्चन 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। नाउ ऑफ द इक्वेशन आर 2x1 + x2 + 4x3 = 11, 3x1 + x2 + 5x3 = 14। फाइंड द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। गिवन क्या है हमें, x1 = 2 x2 = 3 x3 = 1। देन इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, 2a1 + 3a2 + a3 = b, वेयर a1 इज 2, 3, a2 इज 1, 1, a3 इज 4, 5, b इज इक्वल टू 11, 14, विच हैव फिजिबल सोल्यूशन इज 2, 3, 1। ये हम स्टेप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन 6 में हमारा स्टेप 1 क्या था, फिजिबल सोल्यूशन। देन हम वैल्यूज को पुट करते थे, बी की वैल्यू आ जाती थी, एंड स्टेप नंबर 3 क्या था, इसको हम लिखते थे ax = b। सो हमारा फिजिबल सोल्यूशन आ जाता था। एंड स्टेप 4 क्या था, फाइंड रैंक ऑफ a एंड a/b। बट क्वेश्चन 7 में हमारा फिजिबल सोल्यूशन ये है, ये हमारा स्टेप नंबर 1। देन हमने ax = b की फॉर्म में लिख दिया, देन हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो हमारे ये 3 स्टेप्स बन गए। नाउ स्टेप 4 से हम स्टार्ट करेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ a एंड a/b। a कितना है हमारे पास, 2, 1, 4, 3, 1, 5, यहाँ पे लिख दिया, b इज 11, 14। सो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, r2 - 3/2 r1। सो हमारा रैंक कितना आ गया, 2। रो ऑफ a इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 2, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन कितनी थी, 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, x1 x2 x3 = 3। नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू n - m = 3 - 2 = 1। नाउ स्टेप 5 हमारा क्या था, टेक a1 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a2 एंड a3। देन a1 को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, α a2 + β a3। यहाँ पे हमने a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी, देन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, β = 1 एंड α = -2। जो हमारी इक्वेशन बनी थी वहां पे वैल्यू पुट कर दी अल्फा एंड बीटा की, सो a1 + 2a2 + -a3 = 0। इसे दीदी स्टार, कंपेयरिंग इट विद a1 λ1 a2 λ2 + a3 λ3 = 0। सो λ1 की वैल्यू 1, λ2 की वैल्यू 2, λ3 की वैल्यू -1। स्टेप 6 क्या था हमारा, मिनिमम ऑफ xj/λj, वेयर λj > 0। हमारे λj > 0 कौन से हैं, 1 एंड 2। सो हम क्या लिखेंगे, x1 λ1 x2 λ2। x1 x2 की वैल्यूज क्या थी हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, 2, 3, 1, जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन थी, x1 = 2 x2 = 3 x3 = 1। सो यहाँ पे पुट कर दी मिनिमम ऑफ 2/1, 3/2। मिनिमम हमारा क्या है, 3/2। 3/2 कहाँ से आया हमारा, a2 से। दिस इंडिकेट्स दैट वेक्टर a2 कैन बी रिमूव, दैट मीन्स a2 = 0। इसका मतलब क्या है, हमने a2 को रिमूव करना है, सो हमने स्टार से a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a2 = -a1 + a3/2। सो जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, 2a1 + 3a2 + a3 = b, यहाँ पे हमने a2 की वैल्यू पुट कर दी, सो b = 1/2a1 + 5/2a3। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बाय 1/2, a2 की वैल्यू 0, a3 का कोफिशियंट क्या है, 5/2। दैट मीन्स x1 की वैल्यू क्या आगी, 1/2, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 5/2। नाउ अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, इक्वेशन हमारी कौन सी थी, 2x1 + x2
plus 4x3 is equal to 11. 3x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 14. यहाँ पे 5 है. So यहाँ पे हमने x1, x2, x3 की वैल्यूज पुट करेंगे. पहले हमने इक्वेशन 1 चेक ले, 2x1 plus x2 plus 4x3. यहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यू पुट की, सॉल्व करके कितना आ गया 11, which is equal to right hand side. Also हमने इक्वेशन 2 ली, 3x1 plus x2 plus 5x3. यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू पुट की 1/2 plus 0 plus 5 into 5/2. सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 14, which is right hand side. सो हमारी जो वेरिफिकेशन है वो क्या होगी, ट्रू. दिस इंप्लाइज 1/2, 0, 5/2 सेटिस्फाई बोथ दी इक्वेशन. सो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ गया, 1/2, 0, 5/2. एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो डिफरेंट आएंगे. अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन आता है और वेरिफिकेशन में आपका आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है. सो आपने हमेशा वेरिफिकेशन करनी है लास्ट में. अगर आपकी वेरिफिकेशन सेटिस्फाई होती है तभी आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएंगे.